कार स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार की बोनेट पर एक लड़का बैठा हुआ है और कार तेज रफ्तार से चल रही है। दरअसल ये कार स्टंट का वीडियो मलाड का बताया जा रहा है। मालोनी गेट नंबर 6 रमजान अली स्कूल के सामने सड़क पर तेज रफ्तार कार के बोनेट पर लटके हुए लड़के का एक पत्रकार ने वीडियो बना लिया। चलती हुई कार पर लटकते हुए लड़के का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मालवनी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कार को जब्त कर लिया। शाम को 5:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि अब्दुल हमीद रोड से कोई बंदा कार लेके बोनेट पे एक लड़का बैठ के जा रहा है, तो हम तुरंत गश्ती में थे तो हम तुरंत उधर गए, लेकिन उधर वो रुका नहीं था, उधर से जोर से गाड़ी चला के लेके गया था वो, उसके आगे के बोनेट पे एक लड़का बैठा था। तो बाद में वो गाड़ी हमने ट्रैप लगा के पकड़ा गाड़ी एक जगह पे, तो उसमें हमको एक गाड़ी चलाने वाला और वो गाड़ी का मालिक भी था, वो उसका आदित्य ठाकुर नाम था, वो मिला। तो उसने बताया कि बोनेट के सामने जो बैठा था वो लड़का का नाम बताया, उसके जरिए हमने वो लड़के को भी उठाया, केस भी दाखिल किया था पहले, तो लड़के को बाद में उठाने के बाद पता चला कि वो नाबालिग है। तो वो जो मामला है तो किसी की जान जा सकती है या खुद की जान जा सकती है, वो गंभीर मामला है, तो हमने एफआईआर दाखिल किया है और उसको आदित्य ठाकुर को अरेस्ट किया और नाबालिग लड़के को उसको पिताजी के ताबे में दिया।